10,000 रुपया पढ़ने वाला है, 10,000 रुपया पढ़ने वाला है। यह तकलीफ जो आपको यहाँ आज महसूस होता होगा कि हम 2 घंटे से बैठे, 4 घंटे से बैठे, लेकिन याद करिए कि हम मक्की में भी रात को सोते थे। याद करिए हम लोगों को जंगल में भी भागना पड़ता था। याद करिए हमें स्कूल जाने से वंचित रखा गया। याद करिए हमारे घरों को जलाया गया। याद करिए हमें पशु से उतार उतार कर हमें मारा गया। वो दिन हमें याद करना चाहिए। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। ये षड्यंत्रकारी हमें यहाँ से कश्मीरी पंडितों की तरह भगाना चाहते थे। और ये तकलीफ खाली हिंदुओं को हुआ ऐसा नहीं, ये हमसे ज्यादा तकलीफ मेरे मुसलमान भाइयों ने भी उठाया। उनके साथ जो इस्तेसाल हुआ वो बोलने के लायक नहीं है, किसी को सुनाने के लायक नहीं है। वो वही लोग जानते हैं जिनके बच्चों को उन्होंने हथियार दिया। ये था हथियार देने के बाद बचाओ, न उसको बचा और न उसको कुछ। उनके बच्चे मारे गए, क्यों मारे गए, उनको वरगलाया गया। इसके पीछे कौन था, सरकार किसकी थी, गवर्नमेंट किसकी थी, केंद्र में किसका राज था, वो आज हमें पूछना पड़ेगा। आज हमारे घरों में आएंगे और हमें वोट मांगेंगे। जब हम लाशों को यहाँ जलाते थे मेरे आंखों के सामने, जब छात्रों में मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ता था, 3-3 लाशें हमने वहां जलाई, 3-3 पुलिस वाले पुलिस वालों को वहां मौत के घाट उतारा गया। हम कैसे भूल सकते हैं जब किश्तवाड़ में पहला कांड हुआ, हस्तीकांड हुआ, उसमें मेरे गांव से भी मेरे मामा श्री यहाँ जयालाल जी उस गाड़ी में थे, उनकी भी निर्ममता के साथ उसने हत्या की। कैसे भूल सकते हैं। आज अगर हम चैन की नींद सोते हैं, आज अगर हम